तो चलिए आज हम मिलते हैं स्पंज गार्ड, जिसे तरोई बोलते हैं, उनकी तीन वैरायटी से। ये जो है ये नॉर्मल जो बाज़ारों में मिलता है वो है स्पंज गार्ड, जिसे कि हम नेनुआ बोलते हैं, जो हमारे बिहार में इसे नेनुआ बोला जाता है। और इसकी जो स्किन होती है ना वो चिकनी होती है। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो प्रोड्यूस होता है वो यही होता है, और इसकी जो स्किन होती है ना वो चिकनी होती है। और ये जो है ना इसे स्पंज गार्ड बोला जाता है। सेकंड जो स्पंज गार्ड की वैरायटी है वो ये है गार्ड की वैरायटी, जिसे कि रिज गार्ड बोला जाता है, या फिर इसे ना जीवनी भी बोला जाता है। जो कि जो तरोई है स्पंज गार्ड है, जो चिकनी जिसकी स्किन थी उससे ज़्यादा खाने में ये ज़्यादा मीठी लगती है, और ये ज़्यादा हेल्दी फ़ायदेमंद भी होती है सेहत के लिए। तो इसे जो है ना रिज गार्ड बोला जाता है। और इसमें डिफरेंस आपको ये दिखेगा कि इसके साइड में ना यूँ धारी धारी होती है, और ये जो है ना खाने में थोड़ा ज़्यादा मीठा लगता है। और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा ना ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ये थोड़ा कम मिलता है। तो सेकेंड वैरायटी ये है। फर्स्ट जो नॉर्मल स्किन वाली थी वो फर्स्ट वैरायटी थी। जो थर्ड वैरायटी है वो है ये, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है नहीं पता। ये भी रिज गार्ड की तरह रहती है, बट जो है ना ये भी बहुत मीठा लगता है। और इसकी मगर जो स्किन होती है ना वो चिकनी होती है, और हमारे बिहार में इसे सतपुतिया बोला जाता है, क्योंकि ये बंचेज में फलता है। और इसका डिफरेंस ये है कि ये छोटे साइज का होता है और ये बंच में फलता है। ये देखिए, और ये जो है ना देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बंच में फलता है आपका, और इसे सतपुतिया बोला जाता है, जो कि ये जूतिया जो होता है ना उसमें ये खाया जाता है। इसको ही खा के जो हमारे हैं उसका फास्टिंग किया जाता है। तो ये तीन तरह की वैरायटी की मैंने आपको तरोई दिखाई, और सबसे कॉमन जो होता है ये स्पंज गार्ड, जो कि बहुत आसानी से हम सीड के थ्रू लगा सकते हैं।